फार्मर्स होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया को काट के बेटे एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे वो पर्टिकुलर लैंड बेटा जैसे वो पर्टिकुलर लैंड अनफर्टाइल हो जाता है फॉर अकॉर्डिंग टू देम दैट दिस बिकम अनफर्टाइल, तो बच्चों क्या करते हैं कि वो दूसरे एरिया को काट लेते हैं और उस एरिया को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो इसे कहते हैं झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है। झूमिंग मेथड मतलब वो अपने फील्ड को अगेन एंड अगेन चेंज करते रहते हैं, तो जिसे झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट के डिफरेंट स्टेट में से चाहे वो चाहे मेघालय देख लिया जाए, मिजोरम देख लिया जाए, नागालैंड देख लिया जाए, एंड कुछ जो नॉर्दर्न स्टेट है यहाँ पर इसे झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से ही जाना जाता है। झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से बच्चों से नागालैंड मेघालय में बच्चों इसे इसे किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग मेथड। मेघालय त्रिपुरा में इसे बच्चों झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार में बेटा इसी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को दीपा नाम से जाना जाता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड अंडमान निकोबार में इट इज कंसिडर एज दीपा मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बच्चों मध्य प्रदेश में इसे बेवार या दाहिया नाम से जाना जाता है। इन मध्य प्रदेश इट इज नोन एज ए बेवार या दाहिया। इसके बाद बच्चों आंध्र प्रदेश में इसे पेड़ू के नाम से जाना जाता है। इन आंध्र प्रदेश में इट इज नोन एज ए पेड़ू के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में बेटा इसे पामा के नाम से जाना जाता है। और एज वेल एज सेम बच्चों वेस्टर्न घाट्स में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। एंड झारखंड में इसे बेटा कुरुआ के नाम से जाना जाता है। इन झारखंड में इसी झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को बच्चों हम लोग कुरुआ के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ए कुरुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बेटे सिविल में ये क्वेश्चन बनता है जाकर के कि पर्टिकुलर एरिया का नाम दे देगा और या कभी कभी किसी दूसरे कंट्री का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इस कंट्री में या इस पर्टिकुलर एरिया में या इस स्टेट में इस झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को या शिफ्टिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को या स्लैश या बर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग खासकर स्लैश बर्न झूमिंग एंड शिफ्टिंग मेथड ऑफ कल्टिवेशन आपको याद रखिएगा कि इन्हीं तीन तरीकों में से आपसे पूछा जाता है एक नंबर में। और ये बेटे सबसे एसेंट पुराना है जहां पर कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं था, नेचुरली प्रोडक्शन किया जाता है, टोटली सोयल के फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो होती है और इसमें किसी भी टाइप के कोई फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता, कोई इरीगेशन फैसिलिटीज नहीं होती है। कम्प्लीटली जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द रेनफॉल पर। और इसके बाद बच्चे इसमें फैमिली मेंबर्स ही इंगेज होते हैं और फैमिली मेंबर्स मिलकर के एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। एंड दे परफॉर्म द एग्रीकल्चर एक्टिविटी ओनली फॉर द फुलफिल नीड्स ऑफ देयर फैमिली। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इनका पर्पज फसल को तैयार करके बेचना नहीं होता है। और ये बेटे स्पेशली मोस्ट डेंस वेजिटेटिव एरिया में खासकर जंगल जहां पर ज्यादा होते हैं और जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं उन्हीं के थ्रू बच्चों इस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर का यूज किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। ये हुआ बच्चों आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बाद बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंटेंसिव फार्मिंग पढ़ेंगे और आफ्टर दैट कॉमर्शियल फार्मिंग पढ़ेंगे और फिर हम बेटे क्रॉप पैटर्न पे चलेंगे। क्रॉप पैटर्न मतलब रबी क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, जायद क्रॉप होती क्या होती है। और फिर बच्चों हम मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया जैसे ग्रेन्स पढ़ेंगे, राइस क्या होता है, वीट क्या होता है। और आफ्टर दैट फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के मिलेट्स के पढ़ेंगे, शुगर केन पढ़ेंगे, कॉटन पढ़ेंगे, जूट पढ़ेंगे और कॉफी एंड टी, ये के कुछ क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हम स्पेशली स्टडी करेंगे। और फिर टेक्निकल रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ये पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में होगा। तो आज आप लोगों का जो पार्ट रहा वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, छू मेथड, बेवार मेथड, दाहिया मेथड, ठीक है, और ये भी मेथड स्लैश मेथड, बर्न मेथड, शिफ्टिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जानी जाने वाली मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम लोगों ने पढ़ा। अब ओके बच्चों, ओके आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।